आज हम ये क्वेश्चन इसलिए दिए हैं सर्किट वाले प्रश्न ताकि वेयर द पेन ताकि चलाइए जो पूछ रहा है ना रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बहुत हल्ला है मार्केट में ओम का नियम वगैरह वगैरह बहुत हल्ला है तो एक 20 क्वेश्चन का शेड्यूल हम किए हैं ताकि आपका काम हो जाए। पहला क्वेश्चन है कितनी विद्युत की खपत होगी यदि 50 वाट का 15 लैंप घर में प्रतिदिन 5 घंटा उपयोग किया जाता है। तो पहले हमको पता है I बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है अभी ये ग्रुप डी के लिए। P बराबर VI होता है, I बराबर क्या हो जाएगा P/V। अब कह रहा है विद्युत खपत की गई अगर 50 वाट के 15 लैंप तो टोटल वाट कितना हो गया 50 गुना कितना रे 50 गुना कितना 15 लैंप घर में प्रतिदिन कितना घंटा 5 घंटा तक उपयोग किया जाता है तो 50 गुना 15 ये हो गया टोटल वाट 5 घंटा तक उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन में मांग रहा है विद्युत की खपत धारा मांग रहा है। अब वोल्टेज का मान किसी को पता है क्या, पावर तो हो गया 50 गुना 15 अब वोल्टेज का मान कहीं देले नहीं है तो चला ही कैसे निकलेगा। तो आपको पता होना चाहिए घर में जो वोल्टेज होता है वो 240 वोल्ट होता है तो अपने मन से 240 से भाग दे देंगे आज जो आएगा वो आंसर आ जाएगा 5 का कोई काम नहीं। P/V है घंटा से गुना कर दीजिएगा चला जी ऊर्जा हो जाएगा P/VI, I/P/V 15 × 50/240 इज द आंसर। यार नहीं मैं वो क्वेश्चन ही नहीं है 3.15 और 3.75 में डिफरेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है 100 वाट प्रतिरोध के एक तार को 4 बराबर भागों में काटकर समानांतर क्रम में ये 100 ओम का तार है ये भी हो जाएगा 25 ओम ये भी 25 ओम ये भी 25 ओम ये भी 25 ओम बोलो हाँ या ना। भागों में काटकर समानांतर में जोड़ेंगे तो बताओ 1/R टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/25 + 1/25 + 1/25 + 1/25 बोलो हाँ या ना। आ यहां से अगर हम R टोटल निकालेंगे तो 25/4 ओम हो जाएगा। अब कह रहा है बराबर भागों में काटकर समानांतर क्रम में 1 मिनट के लिए टाइम का मान कितना है 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट तो कह रहा है ऊष्मा का मान क्या होगा। फॉर्मूला आपको पता है H बराबर फॉर्मूला होता है I²RT या V²R×T या VIT या P×T कौन फॉर्मूला लगाइएगा जल्दी से बता दीजिए। आर पता है आपको भी पता है टी पता है कौन फॉर्मूला लगाइएगा H बराबर V²R×T लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। जल्दी से लिखिए जल्दी से नोट कीजिए। हो गया फॉर्मूला आपको लगाना है चला जी H बराबर लगा दीजिए V²R×T कितना आता आंसर 1060 जूल इज द आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन कहता है नेटवर्क में A और B के बीच यहाँ A है यहाँ B है समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा R/4 एक ही तार है तो श्रेणी है कि समानांतर एक तार रहेगा तो श्रेणी में होगा एक तार रहेगा श्रेणी में होगा तो एक पौवा
दोनों को जोड़ देंगे ना, तो एक पौवा प्लस एक पौवा आधा किलो बोले तो आर बाई टू इज द आंसर। अजय भूसकोलवा रहेगा वो क्या करेगा, वो कहेगा आर टोटल इज इक्वल टू आर बाई फोर प्लस आर बाई फोर, इसका एलसीएम लेगा चार, ये हो जाएगा आर प्लस आर टू आर, ये हो जाएगा चला आर बाई टू। इतना करने का जरूरत नहीं था, एक पौवा प्लस एक पौवा बराबर कितना आधा किलो आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जब अलग अलग तार रहता था वो पैरेलल में होता है, जैसे यहाँ एक के तार था तो ये सीरीज में है, एक ही तार रहेगा तो ये किसमें होगा सीरीज में, और अगर अलग अलग तार रहेगा तो चला तीनों किसमें होगा पैरेलल, अलग अलग तार रहेगा तो किसमें होगा पैरेलल, एक ही तार रहेगा तो सीरीज में, अलग अलग तार रहेगा तो पैरेलल, ये अलग अलग तार है तो तीनों किसमें है पैरेलल में, तीनों पैरेलल में है चला तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है, वन बाय आर इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाय दस प्लस वन बाय दस प्लस वन बाय दस, ये तीनों को दस 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 है तो वन बाय आर इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे दस तीन आर इज इक्वल टू हो जाएगा दस बटे तीन, तीन छके अठारह छ दशमलव छ छ इज द आंसर, तीन दशमलव तीन तीन इज द आंसर, दसिन है तो तीन दशमलव तीन तीन इज द आंसर। जल्दी से लिखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए ये दोनों अलग अलग तार है, अलग अलग तार होगा तो पैरेलल में होगा, एक के तार होगा तो सीरीज में होगा, तेज बच्चा होगा ना तो इसको सीधे करेगा तीन गुना छ बटे तीन प्लस छ, जब ये पैरेलल में दो को दिखे ए बी बटे ए प्लस बी कर देना, तो ये ए बी बटे ए प्लस बी तो छत्री अठारह बटे नौ इज इक्वल टू दो ओम, दो ओम आई दो ओम चार ओम इज द आंसर। हो गया अगला क्वेश्चन, कहता है इतना इतना प्रतिरोध समानांतर समानांतर श्रेणी में है, परिणामी का समतुल्य क्या होगा, कुछ नहीं करना है, समानांतर वन बाय आर बराबर वन बाय पंद्रह प्लस वन बाय बीस प्लस वन बाय तीस, इसको एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा कितना साठ, साठ एलसीएम होगा तो पंद्रह चौका साठ, बीस तिया साठ, तीस दुनी साठ, चार तीन सात दो नौ, आर बराबर हो जाएगा साठ बटन नौ इज द आंसर। साठ बटन नौ होगा, नौ बटन साठ भी तो और इंतजार में है, यहां से सॉल्व करेगा ये आ जाएगा यहाँ नौ बटे साठ, हम मारेगा ही हम मरा लेगा, गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा साठ बटे नौ, पलटी न मारना पड़ेगा रे, वन बाय आर का वैल्यू है नौ बटे साठ तो आर का वैल्यू हो जाएगा साठ बटे नौ। हो गया आंसर, बताइए अगला का, अगला का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट आंसर, अगला का आंसर बता, कहता तीन प्रतिरोध प्रत्येक चार ओम का एक त्रिकोण बनाता है, ये तीन प्रतिरोध है प्रत्येक है चार ओम का और ये त्रिकोण बनाता है, तो कहता है जोड़ा गया है तो टर्मिनल के बीच प्रतिरोध क्या होगा, तो टर्मिनल के बीच प्रतिरोध ये ए मान लो ये बी मान लो, ये भी चार ओम है, ये भी चार ओम है और ये भी चला चार ओम है, तो चार चार है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा चला चार चार आठ, तो आर का मान यहाँ हो गया आठ ओम, ये आठ और ये चार दोनों पैरेलल में है कि सीरीज में है, ये सीरीज में है और इसके साथ ये क्या है पैरेलल, क्योंकि ये एक तार है इसलिए सीरीज में और दोनों अलग अलग तार है इसलिए क्या पैरेलल, तो यहाँ आर जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा आठ गुना चार बटा आठ प्लस चार यानी बत्तीस बटा बारह, बत्तीस बटा बारह होगा तो कितना हो जाएगा चार अठ बत्तीस चार तीन बारह आठ बटा तीनों में आंसर। हो गया चार चार आठ आठ गुना चार बटा आठ प्लस चार,
कि हमेशा ध्यान रखिएगा चला, पैरेलल में अगर दुगो प्रतिरोध दिखे ना, एगो आर वन एगो आर टू, तो समतुल्य जो प्रतिरोध होगा वो आर वन आर टू बटा आर वन प्लस आर टू, डायरेक्ट लगा देना। अगला क्वेश्चन आपके पे, देखिए हम फिर से बता देते हैं, अगर ये कोई दो प्रतिरोध जब भी आपको श्रेणी समानांतर में दिखे तो R समतुल्य जो होगा वो हो जाएगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2, डायरेक्ट लगा देना, कुछ नहीं सोचना। अगला कहते हैं इतना माइक्रोफेराड का संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, दो पांच माइक्रोफेराड का संधारित्र है, दोनों को समानांतर में जोड़ दिया गया, ये भी पांच माइक्रोफेराड है और ये भी पांच माइक्रोफेराड है, समानांतर क्रम में जोड़े गए, फिर इनके साथ 10 माइक्रोफेराड का संधारित्र श्रेणी में जोड़ा गया, ये चला 10 माइक्रोफेराड है, इसका संधारित्र श्रेणी में जोड़ा गया, तो कुल संधारित्र कितना होगा? आपको पता है कि पैरेलल में सीरीज जैसा काम करते हैं कैपेसिटर में, पता है ना, तो पैरेलल में अगर सीरीज जैसा काम करते हैं चला, तो ये हो जाएगा पांच और पांच 10 माइक्रोफेराड, ई दोनों सीरीज में है लेकिन व्यवहार कैसा करेगा, पैरेलल जैसा, तो सी टोटल निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, 10 गुना 10 अब बटा 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा बताइए, 100 बटा 20 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफेराड इज द आंसर, पढ़ा हुआ है नहीं, ये अगर पैरेलल में है तो सीरीज के जैसा जोड़ेंगे 5 5 10, इसके साथ सीरीज में है तो पैरेलल के जैसा करेंगे 10 गुना 10 बटा 10 प्लस 10 आंसर। अगला क्वेश्चन में चलें, द नेक्स्ट वन इज एक अधोरित अरोधित या अवरोधित चार ओम तार को बीच से 180 पर मोड़ देंगे, अगर मान लीजिए चला जी कि देखें वो पेज तंगी, इसको चला जी ये तार है चार ओम का, आर आपको पता है आर समानुपाती होता है एल के, एल आधा होगा तो आर भी आधा होगा, लेकिन प्रतिरोधकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रतिरोधकता रो है तो रो ए रह जाए, लेकिन प्रतिरोध अगर आधा कर दोगे तो आधा, एक बटा चार कर दोगे तो एक बटा चार, चला अगर ऐसा है इसको हम 180 पर मोड़ेंगे, मतलब ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो दोनों पैरेलल में होगा कि सीरीज में होगा, कैसा होगा, पैरेलल में होगा, तो ये अगर चार है पूरा तो इधर दो होगा, इधर दो होगा तब ना इसे मुड़ेगा, बोलवे नहीं करेंगे, चार ओम तार को बीच से 180 पर मोड़ेंगे, 180 पर मोड़ेंगे चला, तो ऐसा हो जाएगा पैरेलल में, ये हो जाएगा दो ओम, ये भी हो जाएगा दो ओम, तो उभय कटे आधे भाग एक दूसरे को जोड़ दिए जाए, 180 पर अगर काट देते हैं चला और एक दूसरे के ऊपर जोड़ देते हैं तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो नया प्रतिरोध आर जो हो जाएगा वो दो गुना दो बटा दो प्लस दो हो जाएगा बराबर एक ओम हो जाएगा आंसर। एक सौ अस्सी पर जब भी जोड़ेंगे चला तो समानांतर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहे, कहते हैं निम्न प्रतिरोध धारा का मान क्या होगा, धारा का मान के लिए चला बताइए ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में है तो दो और दो, दो प्लस दो बराबर चार हो, ये इसके साथ पैरेलल में है, पैरेलल में है तो आर टोटल जो हो जाएगा वो चार गुना दो बटा चार प्लस दो हो जाएगा, आर टोटल हो जाएगा आठ बटा छ, कितना हो जाएगा, दो चौका आठ द्वितीय छ, बोलो हाँ या ना, अब हमको धारा निकालना था, आई बराबर हो जाएगा भी बटा आर, भी का मान कितना है दो वोल्ट, भी का मान कितना है तो ई दो ओम चला इसका नहीं है, ये यहाँ दो वोल्ट है, आर का मान अभी हम निकाल लें चार बटा तीन, ये हो जाएगा छ बटा चार, छ बटा चार हो जाएगा तो ये हो जाएगा द्वितीय छ, दुनी चार बराबर 1.5 के आंसर।
हरा का मान क्या होगा कोहरा है, तो चला ये हो जाएगा दो दो चार, इसके साथ पैरेलल में है, चार गुना दो बटा चार प्लस दो, रेजिस्टेंस निकल जाएगा और I बराबर होता है V बाय R, पुट एंड गेट द रिजल्ट। हो गया। अगला क्वेश्चन, 0.4 ओम के वायर की लंबाई को दो गुना कर दिया जाए तो उसकी प्रतिरोध कितना होगा, R बराबर होता है रो L बाय A। अब कह रहा है नया प्रतिरोध है जिसमें R लंबाई को 12 कर दिया गया, तो 12 कर दिया गया 2 रो L बाय A, रो एल बाय ए प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 0.4, कथा 0.4 प्रतिरोध वायर की लंबाई, तो जिसका प्रतिरोध 0.4 है मतलब रो एल बाय ए का मान 0.4 है, अब करें लंबाई दुगुना कर देंगे तो दुगुना कर देंगे दो बाहर आ जाएगा, दो और रो एल बाय ए का मान 0.4 है, दो गुना 0.4 इज इक्वल टू 0.8 इज द आंसर। सब फ्लेवर का सवाल है इसमें। जैसे दिल करेगा वैसे कर सकते। अगला, 15 वोल्ट का विवाह बल्ब के बैटरी से जुड़े एक प्रतिरोध में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इस परिपथ में 5 सेकंड, देखो क्या क्या दिया है, ही दे दिया है 15 वोल्ट विवाह बल्ब 2 एम्पियर, आई दे दिया है 2 एम्पियर, परिपथ में 5 सेकंड, टाइम का मान हो गया के बाद वियोजित करते हैं, गलत कथन चुने, देखो जो इसमें तेज बच्चा रहेगा ना हिसाब से काम करेगा, बेवकूफ होगा फंस जाएगा, लंबा टाइम लग जाएगा उसको। देखो कैसे आवेश कूलम हमको निकालना है, कूलम क्यू बराबर होता है आई टी, आई दिया हुआ है 2, अट्टी दिया हुआ है 5, तो 5 दुनी 10 हो गया, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद ई हमको निकालने में टाइम लगेगा, इसको हम लोग पेंडिंग में रखते हैं, इधर आते हैं ना, किधर गया, बैटरी द्वारा विसरित शक्ति 30 वाट, तो शक्ति जो होता है वो टी बराबर भी आई होता है, तो भी और आई को गुना कीजिए, 15 दुनी 30 ना, तो देखो 30 वाट है, इसका मतलब ये भी सही है। आप प्रतिरोध का मान इतना, तो प्रतिरोध आई बराबर हो, प्रतिरोध आर बराबर होता है भी बाय आई, अब भी बाय आई हो जाएगा, तो भी का मान दिया हुआ है 15, आई का मान दिया हुआ है 2, बराबर 7.5 तो होने ना करेगा, भी सही है, आंसर तो यही ना हो जाएगा, बोलो रे आंसर ठीक कर लो, आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी फॉर बॉल। क्यू बराबर आई टी से ये निकाल लेंगे, पी बराबर वी आई से ये निकाल लेंगे, अब प्रतिरोध का मान यहां दिया हुआ है, इसका मतलब बी नंबर गलत है, निकालने क्या फायदा, निकाल में एच बराबर करंटी निकाल। अगला, 10 एम्पियर के साथ इतना वोल्ट पर इतना वाट के कुल कितने बल्ब सुरक्षित उपयोग में लाए जा सकते हैं, अब गौर फरमाना, पहले हमको टोटल दिया हुआ है 10 एम्पियर फ्यूज के साथ इतना वोल्ट पर इतना वाट के कुल कितने बल्ब सुरक्षित उपयोग में लाए जा सकते हैं, कैसे बनेगा, पहले हम चला 10 एम्पियर के फ्यूज के साथ टोटल 220 वोल्ट कितना वाट के कुल कितने बल्ब सुरक्षित उपयोग में लाया जा सकता है, तो चला पहले टोटल शक्ति निकाल लो, टोटल शक्ति बराबर हो जाएगा ई बराबर भी इंटू आई ना, 220 गुना 10, चूंकि भी इंटू आई होता है, 220 हो गया वोल्टेज, 10 हो गया आरा, कितना हो गया 2200 वाट, कितना वाट का एक बल्ब है, तो चला बल्ब की सुरक्षित उपयोग बल्ब, सुरक्षित उपयोग बल्ब बराबर हो जाएगा 2200, एक बल्ब कितना वाट का है, तो सभी दोनों कट जाएगा, 11 को बल्ब जो है सुरक्षित उपयोग में लाया जा सकता है। फिर से एक बार देख लीजिए, एक मिनट होल्ड डाउन, कहते 10 एम्पियर फ्यूज के साथ इतना वोल्ट का कुछ होगा
200 वाट के कितने बल्ब सुरक्षित हो सकते हैं? टोटल वाट हम निकाल लिए 220 गुना 10 हो गया, और उसके बाद सुरक्षित उपयोग बल्ब बराबर 220 00 एक वो है 200 वाट का, भागा दे दिए 200 तो आंसर आ जाएगा। अब इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अभी जो पूछ रहा है वो भी बराबर आईआर का सवाल पूछ रहा है, पी बराबर वीआई का सवाल पूछ रहा है, लेकिन हम दो तीन स्टेप ऊपर लेके चलते हैं ताकि अगर उल्टा पुल्टा भी पूछा तो आप बना दीजिएगा। पहले टोटल वाट निकाल के एक बल्ब का जितना वाट है भाग दीजिएगा तो कुल बल्ब निकल जाए। मान लीजिए चला आपको कह दे कि ये घर में 500 वाट है तो 250 वाट के कितने बल्ब लगेंगे? 500/250 इज द आंसर। अगला, दो कंडेंसर जिनकी धारिता कितनी कितनी है? 2 पिकोफेराड और 6 पिकोफेराड है। जब इनको पार्श्व में 120 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है कुल आवेश कितना होगा, कैसे बनेगा? वोल्टेज दे दिया 120 वोल्ट, किसमें जोड़ा जाए? पार्श्व में, पार्श्व मतलब समानांतर में, पार्श्व मतलब, तो चला कुल कैपेसिटी कितना हो जाए? 2+6=8 pF। अब हमको निकालना क्या है? क्यू बराबर होता है सी भी, तो क्यू बराबर सी का मान दिया हुआ है 108, और भी का मान है 120, 12×8=96, 960 इज द आंसर, पिको फेराड इज द आंसर। जब ये समानांतर में होगा तो चलो सीधा सीधा जोड़ देंगे चूंकि कैपेसिटर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, तीन संधारित्र इतना इतना और इतना, इनको एक बार श्रेणी में तथा दोबारा पार्श्व में यानी समानांतर में जोड़ा जाता है, श्रेणी तथा पार्श्व की धारिता का अनुपात क्या होगा? पता ही चला जी, जब श्रेणी में जोड़ेंगे, श्रेणी में जोड़ेंगे तो सी सीरीज में, सीरीज में होगा तो 1/CS बराबर हो जाएगा 1/3+1/9+1/18, जगह थ्योरी में पढ़ा हुआ होगा नहीं समझ में आएगा, सीरीज में ऐसे ही लिखेंगे, कितना हो जाएगा बताइए? ये एलसीएम लीजिएगा 18 6 2 1 6 3 9 2 18, इस 1/CS बराबर हो जाएगा 1/2। यहां से हम लोग CS निकालेंगे, यहां से हम लोग CS निकालेंगे सीरीज में, ये हो जाएगा 2 μF। वही अगर पैरेलल में निकालेंगे, चला तो पैरेलल में सबको जोड़ ना देते हैं, 9 3 12 18 हो जाएगा 30 μF। दोनों का अनुपात निकालना है, कैसे निकालिएगा? दोनों का अनुपात निकालना है, सी सीरीज बट्टा सी पैरेलल बराबर 2/30=1/15 इज द आंसर। एक बार फिर समझ लो, अगर कर 3 9 18 इसको श्रेणी में जोड़ेंगे, श्रेणी में जोड़ेंगे चला तो 1/3 1/9 1/18, यहां से सी एफ निकाल लेंगे 2, अब पैरेलल में जोड़ेंगे सीधा सीधा जोड़ देंगे 18 3 21 9 30, अब दोनों का अनुपात मांग रहा था, अनुपात निकाल देंगे आंसर क्या। आंसर हो गया। अगला, एक संधारित्र 200 वोल्ट से जुड़ा है, वोल्टेज दे दिया है चला 200 वोल्ट, 0.1 कूलम का आवेश है, क्यू दे दिया है 0.1 कूलम, अनावेशित किया जाता है तो कितनी ऊर्जा? ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आप सीवी स्क्वायर, आप सीवी स्क्वायर, यहां चला भी तो दिया हुआ है, सी नहीं है, सी इससे निकाल लीजिए, सी बराबर क्यू बाई भी पढ़े हैं, अरे क्यू बराबर सी भी, सी बराबर क्यू बाई भी पढ़े हैं, तो यहां से चला क्यू, क्यू का मान दिया हुआ है 0.1, अब अटा भी का मान है 200, अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, आप
इंटू सी, सी का मान है 0.1, अब बटा 200 इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर दे दिया है 200 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। किसी भी कैपेसिटर की जो ऊर्जा होती है वो हाफ सी वी स्क्वायर होती है। हो गया। अगला सवाल है, निम्न चित्र में 2 एम्पियर प्रतिरोध से बहने वाली धारा चलाई 2 एम्पियर से, तो ये 5 एम्पियर यहां से बह रहा है, सब सीरीज में है तो सबसे 5 एम्पियर में जाएगा, सीरीज में धारा समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर, 5 एम्पियर इज द राइट आंसर। सीरीज में धारा समान ना होता है, अब वोल्टेज अलग अलग होता है। इसी तर्ज पर अगर आपको एक क्वेश्चन देगा ऐसा टाइप का, ये है चला 10 ओम, ये है 20 ओम, ये है चला 25 ओम, ये दे दिया है तुमको मान लो 10 वोल्ट, तो पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, इसका भी 10 वोल्ट हुआ, इसका भी 10 वोल्ट, इसका भी 10 वोल्ट, क्योंकि ये 10 वोल्ट, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है समान। अब जिसका तुमको वोल्टेज निकालना है उसका करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस, क्योंकि वी बराबर IR होता है, बोले नहीं। अगला ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला पढ़े होंगे चला जी, NS by NP बराबर VS by VP बराबर IP by IS, पढ़े हैं बराबर कांस्टेंट, NS सेकेंडरी में फेरों की संख्या, NP प्राइमरी में फेरों की संख्या, VS सेकेंडरी का वोल्टेज, प्राइमरी का वोल्टेज, प्राइमरी की धारा, सेकेंडरी की धारा, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन दे दिया, यदि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली का अनुपात जो है यानी NP by NS प्राइमरी कुंडली बटा सेकेंडरी कुंडली 2/3 है, प्राथमिक का वोल्टेज दे दिया है 220 वोल्ट है, तो कह रहा है द्वितीयक का वोल्टेज सेकेंडरी का क्या होगा, बस पुट एंड गेट द रिजल्ट, NP by NS दिया है 2/3, तो NS by NP हो जाएगा 3/2 बराबर VS निकालना है और VP का मान दे दिया है 220, गुना भाग कर दीजिए VS निकाल दीजिए आंसर। जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, कितना 330 आंसर। इससे ऊपर चला रेलवे नहीं जाएगा, रेलवे अभी तक ओम्स लॉ पर ही लटका हुआ है, लेकिन हम तो ये तुमको A to Z पढ़ा दे रहे हैं, जिसका बचा हुआ फिफ्थ में ओम्स लॉ का क्वेश्चन पूछ रहा है, भीबर और आइया आई दिया हुआ है, आप पी बराबर भी आई का क्वेश्चन पूछ रहा है, रिव्यू में आप देख रहे हो। अगला कहता है भारतीय घरों में सप्लाई होने वाली एसी वोल्टेज का आरएमएस मान इतना है, इसका शिखर मान कितना होगा, फॉर्मूला होता है भी आरएमएस बराबर होता है भी नॉट बाय रूट टू, ये शिखर मान है, ये आरएमएस मान है, तो शिखर मान पूछ रहा है भी आरएमएस इंटू रूट टू, भी आर एम एस का मान दे दिया है 220 और रूट टू का मान हमको पता है 1.414, गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है देखिए आंसर, ये आंसर भी आर एम एस हो गया, भी नॉट जो है ये शिखर मान है, भी नॉट शिखर मान है। हो गया, फॉर्मूला होता है भी आर एम एस बराबर भी नॉट बाय टू। अगला क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्ती विभव बल में इतना दिया हुआ है ईएमएफ की आवृत्ति क्या होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वाई बराबर ए साइन
ओमेगा टी, उसके जगह पर तुमको दे दिया है वाई बराबर 220 साइन 628 टी, इसका मतलब ओमेगा के जगह पर 628 दे दिया है, ओमेगा के बदले में 2 पाई एन होता है, 2 पाई एन बराबर 628, एन बराबर हो जाएगा 628 बटे 2 पाई, गुना मार्क कर दीजिए आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट देखिएगा 100 के आसपास आए, 100 हर्ज, पाई का वैल्यू 3.14 रख दीजिए। और देखिए आपको ये तो पूछेगा ही पूछेगा, ये तो थोड़ा सा अप लेवल का बता दिया आपको, लेकिन डाउन में अगर जाइएगा ना तो डाउन में आपको क्या क्या पूछ सकता है, एगो ओम्स लॉ का सवाल रहेगा जो कि अभी तक पूछ भी रहा है, वी बराबर आई आर, या फॉर्मूला रहेगा पी बराबर वी आई, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर आई स्क्वायर आर, या रहेगा एच बराबर आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी वी आई टी पी इंटू टी, या फॉर्मूला रहेगा E बराबर F बाई क्यू अब E बराबर W बाई क्यू, या नहीं तो चला रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछेगा, इतने पर सवाल पूछता है, इतना का सवाल मेरे बुक में भी दिया हुआ है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा और देख के जाइएगा। पी बराबर वी आई, पी बराबर वी एस कर आर आई एस कर आर, इसमें से ये अभी खूब पूछ रहा है, ये और ये इधर नहीं आया, इन दोनों में भी लेकिन आएगा। रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल पूछ लिया है, और सुने में हमें 9 ओम करके पूछा था एक सवाल, तो जो पढ़ाए हैं उसके अलावा आप इसको एक बार जरूर देख लें, और हमेशा ध्यान रखें सीरीज में एक तार होगा तो सीरीज में होगा, और एक से अधिक तार होगा तो क्या होगा पैरेलल में। अब पैरेलल में भी ध्यान रखें कि अगर दो तार है, एगो चला आर वन है और एगो आर टू है, तो इस पैरेलल में अगर आर समतुल्य निकालना है तो आर वन आर टू आर बटा आर वन प्लस, इसको अच्छे से देख लेना, तो बढ़िया से कर लेना, जिसका वोल्टेज निकालना है उसका करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस, क्योंकि वी बराबर आई आर होता है, तो जिसका वोल्टेज निकालना है उसका करंट इंटू उसी का रेजिस्टेंस, और सीरीज में धारा का मान समान होता है वोल्टेज अलग अलग, पैरेलल में वोल्टेज समान होता है धारा अलग, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।